हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन चैनल टर्बो टेक प्लस। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज भी पाप लेवी चैंपियंस का आंसर जानने वाले, लेकिन एक बार हम लोग रिकैप जरूर कर लेते हैं। कल का जो मैच था वहाँ पे हमारा 4 से 5 प्रेडिक्शन सही हुआ था, और कल जो मैच था वो चेन्नई वर्सेस राजस्थान के बीच में था, जिसमें मैंने बताया था गायकवाड़ सबसे पहले आउट होगा, वो हो गया था। यहाँ पे क्रिस मॉरिस के बारे में भी बताया था, रन आउट होगा इस मैच में, वो भी सही हो चुका था। 350 से कम रन बनेगा, वो भी सही हुआ था। चेन्नई जीतेगा, ये भी सही हुआ, और स्लाइडर जिसने लगाया था वो भी सही हो चुका होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कल हम लोग का सबसे अच्छा प्रेडिक्शन गया था, और आशा करते हैं आज का प्रेडिक्शन सबसे अच्छा जाएगा। और दोस्तों जो सबसे टफ मैच है वो है कल का, और वो होने वाला है जिसका प्रेडिक्शन हम लोग देखने वाले हैं, वो है पंजाब वर्सेस हैदराबाद के बीच में। और ये दोनों ही मैच हारता ही हारता आ रहा है, हैदराबाद ने तो एक मैच भी नहीं जीता है। और दोस्तों कल दो मैच है, दूसरा मैच जो है वो चेन्नई वर्सेस केकेआर के बीच में है। बट देखते हैं आज के प्रेडिक्शन में चलते हैं, और आज का प्रेडिक्शन भी कल के जैसा ही रहेगा, कमाल धमाल, और सारे आंसर्स एकदम एक्यूरेट देंगे, और आप लोग भी जीतोगे सरप्राइजिंग गिफ्ट। चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में और जानते हैं पूरा आंसर्स। साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन आंसर लेने के लिए 8:15 में हमारा वीडियो आ जाता है शाम के टाइम में। जल्दी लगाइए, जल्दी खेलिए और जल्दी जीतिए। चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में और आपको देखने को मिलेगा सारे आंसर्स। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्रेडिक्शन पे, और प्रेडिक्शन पे पहला आंसर हम लोग यहाँ पे पता लगाने वाले हैं। आपके स्क्रीन में आने वाला है एक पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस बैट्समैन विल मोर स्कोर मोर, कौन ज़्यादा स्कोर करेंगे, केएल राहुल, गेल, वार्नर, ब्रेस्टो। तो भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मैच में भाई वार्नर ज़्यादा रन मारना चाहिए। दोस्तों दो प्लेयर का मैं नाम लूँगा, वार्नर या ब्रेस्टो में से आप दोनों में से एक चूज़ कर लो, ठीक है। मुझे लग रहा है कल ये दोनों में से कोई एक ज़्यादा रन मारने वाले, ऐसे मैं डेविड वार्नर चूज़ किया हूँ। बाकी आप चूज़ कर सकते हो, ब्रेस्टो भी चूज़ कर सकते हो, और बाकी अगर आपको केएल राहुल लग रहा है तो वो भी आप जा सकते हो, ठीक है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, और सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग पता लगाते हैं। अब दोस्तों आ रहा है हमारे स्क्रीन में सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग यहाँ पे फास्टेस्ट देख लेते हैं। और दोस्तों हाउ मेनी विकेट्स विल मोहम्मद शामी टेक्स, कितना विकेट लेंगे कल के मैच में मोहम्मद शामी। तो मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ भाई, फॉर्म उतना बेटर नहीं चल रहा है जैसा पहला था, तो मैं 0 और 1 में जाने वाला हूँ, 0 और 1। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक विकेट तो जरूर निकालेंगे, मतलब एक विकेट ही निकालेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग को लग रहा है मोहम्मद शमी एक विकेट से ज़्यादा निकालने वाले हैं, तो आप एक विकेट से ज़्यादा पे भी जा सकते हो, बट मुझे लग रहा है 0 और 1, तो इसके लिए मैं 0 और 1 लगा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा क्या होने वाला है, दो मैच है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन में आने वाला हूँ, थर्ड क्वेश्चन आने वाला है आपके स्क्रीन में। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है हु विल विन द मैच। अब आप लोगों को पता है हैदराबाद मैच है, हैदराबाद है और एक तरफ है पंजाब। अब हैदराबाद जो है वो दोस्तों एक भी मैच अभी तक आईपीएल में नहीं जीता है, कल उसको जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इतना ज़रूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और पूरा जान लगा देगा हैदराबाद जीतने के लिए कल, और जीतेगा भी। तो हैदराबाद मेरी तरफ से, मैं हैदराबाद के साथ जाऊँगा। बाकी आप पंजाब के साथ जाना चाहते हो तो आप पंजाब के साथ जा सकते हो। चलते दोस्तों अब सेकेंड मैच के ऊपर, तीसरा जो तीन क्वेश्चन जो आने वाला है वो सेकेंड मैच पर आएगा, जो कि चेन्नई वर्सेस केकेआर के बीच में है, और जो मैच होने वाला है वो वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है मुंबई। तो चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन में, और चौथा क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग पता लगा लेते हैं। अब दोस्तों आ रहा है यहाँ पे हमारे सामने चौथा क्वेश्चन, और आपके स्क्रीन में हु विच बॉलर विल कंसीड लेस रन, कौन सबसे कम रन देंगे, चक्रवर्ती या फिर जडेजा। तो भाई मैं जडेजा के साथ जाने जाता हूँ, क्योंकि इसलिए जडेजा के साथ मैं जा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि यार आपको पता है कि अगर जडेजा खराब बॉलिंग करेंगे तो जो धोनी एम एस धोनी है उनको सिर्फ 2 से 3 ओवर करवाएंगे, ज़्यादा ओवर नहीं करवाएंगे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जो है वो मुझे लगता है 4 का 4 ओवर ही करेंगे, तो इसके लिए मुझे लग रहा है लेस रन कंसीड जो करने वाले हैं, जो कम रन देने वाला है वो होने वाले हैं जडेजा। तो इसके लिए मैं जडेजा के साथ जा रहा हूँ, इसके पीछे पूरा लॉजिक है, इसके लिए मैं जडेजा बोल रहा हूँ, आप लोग भी जडेजा के साथ जा सकते हो। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, और फिफ्थ क्वेश्चन भी पता लगाते हैं। अब आ रहा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है वो स्लाइडर क्वेश्चन है, और स्लाइडर क्वेश्चन दोस्तों ये मैं एक एस्टिमेट बताऊंगा, नीतीश राणा जो है वो पूरा फॉर्म में चल रहे हैं, और जो मुझे लग रहा है कल उतना ज़्यादा स्कोर नहीं लगाने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है 20 से लेकर 50 के बीच में आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 26 लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं 26 ले रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप 20 से लेकर 50 के बीच में ले सकते हो, नीतीश राणा उतने ही रन मारने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पता है क्या होने वाला है, केकेआर जीतेगा मैच या जीतेगा चेन्नई। तो इसके ऊपर हम लोग पूरा आंसर देने वाले हैं, आप लोग बताओ जाकर कमेंट सेक्शन में कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, और आपको क्या लग रहा है कि कल के मैच में चेन्नई या केकेआर, कमेंट सेक्शन में जाओ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों कमेंट करना, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो सभी लोग पढ़ते हैं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और किसको ज़्यादा वोटिंग जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कौन जीतेगा मैच, चेन्नई या केकेआर।
अब दोस्तों स्क्रीन में आ चुका है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन जीतने वाला है मैच। आशा करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बता चुके होंगे कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, कोलकाता या चेन्नई को। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का जो मैच होने वाला है वो कोलकाता जीतने वाला है, तो मैं यहाँ पे कोलकाता के साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा इंटरनल फीलिंग आ रहा है, अंदर से फील आ रहा है कि यार कल का मैच तो कोलकाता निकाल लेगा। तो दोस्तों कोलकाता के साथ आप जा सकते हो, अगर आपको लग रहा है चेन्नई तो चेन्नई भी आप दे सकते हो, वो आपकी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग का पूरा पूरा आंसर देख चुके होंगे, जैसा मैंने बताया है वैसा लगा भी चुके होंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में क्लिक करिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।